गुड मॉर्निंग गाइस, जिस समय बज रहे हैं 6, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूँ। कोहरा लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त और 20 किलोमीटर बाइक चला के मैं आया हूँ। मज़ा आ गया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था। ज़बरदस्त हेलमेट टका, अगर शीशा डाउन कर रहे हैं तो कुछ दिख नहीं रहा, और हेलमेट का शीशा ऊपर कर रहे हैं तो ठंड लग रही है बहुत ज़बरदस्त। सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं हूँ अभी नोएडा में, मज़ा आ रहा है। तो ये हमारे ऑफिस के बाथरूम में ब्लोअर लगा हुआ है, जब कभी हम सर्दियों में ठंडे हाथों जाते हैं तो इसको हम ऑन करते हैं और अपने हाथों को गर्म करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हाथों को कैसे हीटअप करता है। इस पे सेंसर लगा होता है, जैसे आप इसके नीचे हाथ लगाएंगे तो ये ऑन हो जाता है। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था, संडे है, बाहर और के बहुत ज़बरदस्त ठंड। इस समय मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ। ये हमारा मेरा सिस्टम है, इस पर मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर कर रहा हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूँ। और अगर आप मैं ऑफिस दिखाऊँ तो ये मेरा ऑफिस है, 6 to 3 9 hours यहाँ पे ड्यूटी करते हैं हम। इसके बाद भी हमें कभी कभी 10-11 घंटे ऑफिस में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम जाएंगे घर पे। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा विंडोज़ देखता हूँ तो बाहर बिल्कुल आज ना घुपसक हो रहा होगा, ठंड और के बहुत। और मुझे लगता है जो लोग अभी घर पर होंगे वो फर्स्ट क्लास तरीके से अभी भी वहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे रजाई के भीतर। वेलकम टू ब्रेकफास्ट। सबसे बेस्ट तरीका होता है खाने का, सर्दियाँ भूख बहुत लगती है, डाइजेस्ट भी हो जाता है और शरीर को लगता भी है। बाहर बहुत हो रही है ठंड, पीछे कोहरा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ऑफिस का ये कैंटीन एरिया है, मज़ा आ रहा है। आज है 8 तारीख, 8 जनवरी 2023, दिन है आज संडे। ये हमारे ऑफिस का बैक साइड का ग्राउंड है, ऑफिस का प्रीमिसेस ही है। और जस्ट ब्रेकफास्ट करने के बाद एक ग्राउंड लेने आया हूँ, लेकिन आप मौसम देख सकते हैं बिल्कुल घुप कोरा लगा हुआ है। इसके बाद मैं जा रहा हूँ ऑफिस के अंदर, इसके बाद आगे की बात होगी आगे, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मेरे हाथ ना, हाथों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत हद तक रुक गया है। दोस्तों, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली मैं बीच बीच में ही वीडियोस बनाता हूँ, मुझे समय की बहुत कमी है। इस समय मैं जो सेक्शन हूँ, ये मेरे ऑफिस का वो वाला सेक्शन है जहाँ पे हम बैग हेलमेट्स वगैरह रखते हैं, और यहाँ पर ऊपर छत भी है तो जैसे बारिश वारिश धूप ऊप से बच जाते हैं। तो यही हमारा सेक्शन है जहाँ पे अपने बैग्स वगैरह हेलमेट वगैरह रखते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय बाद YouTube वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों तक ब्लॉग पहुँचा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो मेरा नाम है गिरीश रावत और मेरे YouTube चैनल रावत डेली बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं घर पहुँच चुका हूँ ऑफिस से, और ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, येलो कलर बहुत अच्छा लग भी रहा है। और ये जो शरारती बच्चा है, इसको मोबाइल चाहिए होता है ऑल टाइम। मैं डेली जब भी घर आता हूँ तो यही गेट खोलते हैं, लेकिन मैं इसको विंडो से देखता हूँ तो मोबाइल छेड़ रही थी, तब इसको पता ही नहीं चलता कि पापा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इसके हाथ में मोबाइल नहीं है तो गेट यही खोलती है। आज मैंने इसको नॉक किया था, इसने गेट खोला ही नहीं आज, क्योंकि शी इज़ बिजी। अब उसे आए अबू के लिए ना, उसकी मम्मी पजल लाई है, ये सारे पजल उसके लिए, बहुत बड़े पजल हो रहे हैं, और ये पजल कम और पजलिंग ज़्यादा कर रही है। अच्छा, बाल बना रहे हो, बनाओ बाल, बनाओ बाल, बनाओ। अभी तक मैं पीछे से कैमरा शूट कर रहा था तो बाल बना रहे थे इनसे, अब मुझे देख रही है तो स्माइल कर रही है। कैसे कर, ऐसे ऐसे कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, चिढ़ाते कैसे हो, अरे 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 कैसे करते हो। ये ना बहुत शैतान हो गई है, ये सारे पजल्स इसके लिए लाई है इसकी मम्मी। जैसे ये है ओ, अब ये पजल है, इसके अंदर से ओ निकल गया, आप इसका सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है खेलने के लिए, 180 के आसपास से पूरा बॉक्स भर जाता है। ये क्या कर रहे हो, हैं? तो अब्बू को मैं खिलाता हूँ मूंगफली। लो अब्बू, ये देखो मूंगफली उसकी मम्मी छिलके लाई है। अब्बू मूंगफली खाओगे? हेलो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, अरे सलमा ली क्या मूंगफली नहीं खानी, हैं? खा ले यार, ये देखो मम्मी कितने प्यार से लाई है। लो, नहीं खाना पक्का, मेरे हाथ से खा लो, वो मिला
इसमें डाल दिया मैंने, बॉक्स में डाल दिया मैंने, बॉक्स में डालो खाओ इसको। देखो बॉक्स में डाल दिए, अब अब्बू खाएगी, गप गप से मुंह में डालो, अब्बू गप से मुंह में, कैसा हो रहा है, टेस्टी? अब्बू से हाय। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, आज बच्चों के साथ बैठा हूँ, सर्दी लग रही है बाहर, ठंड है, कोहरा हो रखा है, और ये खेल रही है पजल्स। ये पजल हालांकि बना नहीं पाती है लेकिन ट्राई कर रही है कि पजल कर पाए। और ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स मैंने इसको पूरा, ये पूरा मैंने कवर कर दिया ताकि फटे ना, और सारे पजल्स बॉक्स में चले जाते हैं। तो अब व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा दीदी को कैसे चिढ़ाते हो बता दो, कैसे करते हो, ये क्या खा रहे हो, चलो उसको मुँह में डालो, टीथ दिखाओ, अपने टीथ दिखा दो। सीजर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तीसरी क्लास में सुबह जाती स्कूल 10 o'clock से 2 o'clock पे, ऑनलाइन क्लास अभी हो रही है ना सर्दी, उसके बाद ही जाती ट्यूशन, इसके बाद घर आती है और बेचारी होमवर्क पे लग जाती है। पर एजुकेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों अब सीजर? अच्छा कुछ बोलो ज़रा, मज़ा आ रहा है? मम्मी क्या कर रही, मम्मी को दिखाता हूँ। हाँ जी क्या बना रखा, मेथी आलू, ये तो हर घर की सबसे बेस्ट सब्जी होती है, आलू, आलू बालक है, आलू के छोटे छोटे जीरे वगैरह में बनाएंगे। और ये जो बीमारी है ना मोबाइल की, ये हर घर में, आटा गूंद चुका है, प्याज कट चुके हैं, इस डिब्बे में पता नहीं क्या है, दूध भी रखा हुआ है, स्वेटर पहनी हुई है, टोपी पहनी है, इसका इसका मतलब है कि बाहर ठंड जरूर है, लेकिन मैंने टोपी से निकाल दी कि मेरे बाल वैसे भी खराब हो गए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठंड उतनी ज़्यादा महसूस ना हो। सेजल भी पढ़ाई कर रही है, और बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग करने का मौका मिला था मुझे, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि आपके ब्लॉग आना बंद हो गया, तो मैंने कहा यार मुझे समय मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक नया ब्लॉग ला पाऊँ। तो आज मैं ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैं सुबह घर से निकला, कोहरा लगा हुआ था, ऑफिस पहुंचा सुबह 6 बजे, कोहरा वाला गंदा वाला कोहरा लगा था, उसके बाद मैं घर पे आया, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, रात के डिनर तक और सोने तक आपके साथ रहेंगे, आप भी बने रहिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर तो बनता है यार। चल क्या कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के ये काम करना तुम, चलो इसको फटाफट से एक पजल एक बॉक्स बनाओ, उसके बाद देखते हैं कि बहुत सारे पजल्स यहाँ पड़े हैं। अब्बू आप क्या लेबर हो, लेबर हो, क्या लेबर कर रहे हो? तो आज मैं अपने घर की इनसाइड स्टोरी बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से बाहर सर्दी पड़ रही है, तो आदमी 5-6 बजे के बाद ना घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो या तो रजाई पकड़ेगा या तो घर के अंदर रहेगा। तो मैंने सेजल को कहा कि सेजल आप पजल ही कर लो, तो सेजल बना रही है बॉक्सेस, 2-4 बॉक्सेस बनाएगी, ये बहुत सारे पजल्स पड़े हुए हैं, ये बहुत सारे पजल्स पड़े हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे खेलने की तरकीब है। इसमें क्या है कि अल्फाबेटिक्स भी है, A to Z अल्फाबेटिक्स है, बच्चे से पजल के साथ साथ ABCD भी सीख सकते हैं। अगर आपके बच्चों के पास नहीं है, छोटे बच्चों के पास, तो आप उनके लिए ला सकते हैं। एक बॉक्स बन गया, तो ये सिंपल सा बॉक्स बन गया, ये बहुत सारे काम आ सकता है। क्या काम आ सकता है, एक तो खेलने के लिए काम आ रहा है, दूसरा ये पेन बॉक्स जैसे होता है ना, पेन पेंसिल्स बॉक्स भी रख सकते हैं इसमें, ये भी बहुत इजीली बना सकते हैं। क्यों सीधे सेजल ने बनाए हैं कितने बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस एंड 4 5 6 एंड पकड़ो। तो ये है सेजल रावत की मेहनत, जैसे मैंने कहा था कि ये बॉक्सेस पजल हैं, बच्चों के लिए बॉक्स भी बन जाते हैं और इसको पेन बॉक्स भी बना सकते हैं। है? है? है बता दो, वहां मोबाइल बता दो, ऐसे बनता है, बताओ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप भी ले आओ बच्चों के लिए, और उनके साथ खेलो मजे करो। मैं तुमको निकाल दूं, बच्चा ए रहो।
अब इस पर ये देखो कैसे बना रखा है।